गोष्ठी में सिपाही ने की हुटिंग, उसके बाद गर्म हुआ पारा। दबी आवाज में स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी को उक्त प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जब भुवनेश यादव नाम के सिपाही ने हुटिंग चालू कर तेजी से जेल अधीक्षक काफ़ी देर से नोट कर रही थी, गोष्ठी के बीच में ही जेल अधीक्षक का पारा चढ़ गया और हुटिंग कर रहे सिपाही को उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जैसे ही अधीक्षक को इस बात का एहसास हुआ कि वीडियो बन रहा है, वैसे ही उन्होंने अपनी भाषा को संयमित कर लिया। सिपाही ने ही बनाया वीडियो और वायरल कर दिया। जब जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी मंच पर गोष्ठी कर रही थी तो पास में ही खड़ा एक सिपाही मोबाइल से उनका वीडियो बना रहा था। इसी बीच एक दूसरे सिपाही से जेल अधीक्षक और सिपाही भुवनेश यादव के बीच की गाली गलौज उसके कैमरे में कैद हो गई। आश्चर्य की बात तो यह रही, वीडियो बना रहे सिपाही ने वीडियो बनाकर उसको वायरल भी कर दिया। 2017 बैच की IPS है कोमल मंगलानी। जिस जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी का गाली देते वीडियो वायरल हो रहा है, वो 2017 बैच की महिला IPS है और मैनपुरी जेल में उनकी पहली पोस्टिंग है। एक माह पूर्व ही उनकी PCS से रैंक के अधिकारी से शादी हुई है। फिलहाल कोमल मंगलानी मैनपुरी जेल अधीक्षक पद पर तैनात है तो उनके पति उत्तराखंड में मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है। मैम, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फंक्शन हुआ है जिला कारागार में और जिस पर काफ़ी शिकायत विकायत भी की, क्या कुछ मामला था? 14 अप्रैल वाले दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जेल लाइन के पार्क में मनाई जा रही थी और मंच पे मैं संबोधन कर रही थी तो कुछ लोगों ने अव्यवस्थाएं फैलाने की कोशिश की और समारोह में कुछ बाधाएँ डालने की कोशिश की, तो उनको सचेत मैं कर रही थी मंच से खड़े होकर। कई बार मैंने इशारा किया बट नहीं माने तो मैंने कुछ चीज़ें उन्हें कही, लेकिन जो वीडियो में वायरल हो रहा है वो वैसा कुछ भी मैंने नहीं कहा था, वो सारे अपशब्द मेरे द्वारा नहीं कहे गए हैं, वीडियो टेम्पर करके वायरल की गई है।